दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों जो लोग भाई कॉमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हैं, यानी कि जो लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से परेशान हैं, उनको ये लगता है कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ जो है कमा नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, तो भाई उनके लिए जो है जो CNG वाला ऑप्शन है वह उपलब्ध है। और बजाज ने जो है अभी तक जो है अपनी जो क्वालिटी है वो वैसे की वैसी ही जो है बनाई हुई है। और हालांकि जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ अपडेशन जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी जो मैं व्हीकल दिखा रहा हूँ ये भाई बजाज मैक्सिमा का CNG वाला ऑटो है, ये आप देख सकते हैं। और इस ऑटो को लेने के बाद में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं रहता, क्योंकि इसमें जो है दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्टली तो इसमें जो है एक तो टैंक का ऑप्शन है CNG का, और दूसरा ऑप्शन जो आता है वो पेट्रोल का ऑप्शन है। चारों तरफ से पहले तो मैं इसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ, देखने में कितना खूबसूरत है ये देखिए आप। और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर रहने वाली है। तो जो लोग भाई कॉमर्शियल जो है अपना व्हीकल लेना चाहते हैं वो ये ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो लोग बचना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो व्हीकल है वो बढ़िया रहेगा। मैं दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए। तो जो व्हीकल है वो काफ़ी बढ़िया है, और जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम प्राइस में एक अच्छा व्हीकल आपको मिलेगा। और जैसे कि आप ये देखेंगे ये फेंडर जो है ये मेटल बॉडी में है। हालांकि अभी तक ज़्यादातर जो व्हीकल आ रहे हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में वो जो है फेंडर प्लास्टिक बॉडी में या फिर फाइबर में देने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी जो है रिसेंटली क्या हुआ है कि महिंद्रा ने अपना एक व्हीकल लॉन्च किया है, जिसमें कि जो ये क्वालिटी है ये फेंडर वगैरह वो वहाँ पर उन्होंने इम्प्रूवमेंट जो है उसमें लाया है, बॉडी भी उन्होंने मेटल की कर दी है। लेकिन बजाज जो है अपनी क्वालिटी में भाई बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखेंगे बजाज मैक्सिमा का यहाँ पर एक लोगो मिलने वाला है, लाइट्स काफ़ी शानदार मिलने वाली हैं यहाँ पर आप देखेंगे, जो कि हैलोजन की हैं, और इन लाइट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये जो मॉडल है CNG का है, सामने से आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक वाइपर जो है दिया जा रहा है, विंडशील्ड काफ़ी अच्छा है। जो लोग पहले से ही अब बजाज मैक्सिमा चला रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि भाई जो क्वालिटी है बजाज मैक्सिमा की वो काफ़ी बढ़िया मिलेगी। अभी जो शोकर हैं जो आगे दिए गए हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए डबल साइडेड शोकर हैं। और यहाँ पर ये देखिए तो जो चक्का है वो काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पर 4 बोल्ट माउंट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ में जो MRF के टायर्स यहाँ पर मिलेंगे। एक बार टायर साइज में देख लेता हूँ कि भाई टायर साइज क्या है इसका, तो जहाँ तक है 12 इंच का ही होना चाहिए, 3 75 12। तो अभी देख लेते हैं ये भाई, तो दोस्तों 4 10 के टायर हैं, 3 75 12 नहीं है, 4 10 का जो चक्का है जो टायर है वो यहाँ पर मिलेगा। लाइट्स काफ़ी बढ़िया मिलेगी, और यहाँ पर ये जो लाइट्स हैं ये देखेंगे एक कर्व में दी गई है, सामने से भी दिखाई देगी और साइड से भी दिखाई देगी। ड्यूल टोन कलर पहले से ही चलता आ रहा है, और देख के ही लगता है कि भाई कॉमर्शियल वाला है। तो जो आपकी सवारी है वो देख कर ही व्हीकल को समझ आती है कि भाई इस व्हीकल में जो है हमें बैठना होता है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी बढ़िया है। हालांकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं उनमें नए नए कलर ऑप्शन भी आ रहे हैं, लेकिन CNG में ये वाला जो कलर है वो मिलने वाला है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक सॉफ्ट टॉप जो है मिलने वाला है, ये देखेंगे कैनोपी जो कि पहले से ही मिलती आ रही है। और ये दरवाजे वगैरह सब कुछ जो है मेटल के हैं पहले की तरह। अब दोस्तों यहाँ पर चीज़ें क्या बढ़ी हैं कि जैसे कि आप ये देखेंगे सिस्टम, यहाँ पर ये देखिए ये एक टैंक मिलेगा, CNG टैंक आपको मिल रहा है, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सीट के नीचे ही दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में पेट्रोल का यानी कि CNG प्लस पेट्रोल का ऑप्शन है। पेट्रोल का ऑप्शन इस तरह से है, मान लीजिए कहीं पर आपकी CNG ख़त्म हो जाती है तब वहाँ पर आप पेट्रोल का यूज है कर सकते हैं। और फ्रेम वगैरह दोस्तों ये आप देख पाएंगे सीट पर बैठने के बाद में, ये देख सकते हैं सीट की क्वालिटी काफ़ी बेटर क्वालिटी है। और साथ ही साथ में ये आप देखेंगे तो जो बैक रेस्ट है वह भी काफ़ी सुंदर मिल रहा है। अब दोस्तों आगे इसमें अंदर बैठ करके मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और भी मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पास लाइट का ऑप्शन है यहाँ पर है, और हालाँकि ये देख सकते हैं आप ये वाइपर का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये हॉर्न का है, ठीक है, ये लाइट्स का जो है ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ में चार्जिंग के लिए एक पोर्ट मिल जाएगा, एनालॉग मीटर्स यहाँ पर मिलने वाला है। जो व्हीकल आ रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले उनमें LED आता है, लेकिन यहाँ पर जो है एनालॉग मीटर आ रहा है। और बेसिकली देखा जाए तो मुझे एनालॉग मीटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हैंडल बार है वो मेटल बॉडी में दिया गया है, ऊपर ये थोड़ा सा यहाँ पर प्लास्टिक है। डैशबोर्ड आप देखेंगे तो काफ़ी मजबूत जो है डैशबोर्ड मिलने वाला है, पैसे रखने के लिए भी यहाँ पर एक ग्लो बॉक्स मिल जाएगा आपको, दूसरी तरफ भी एक ग्लो बॉक्स है लेकिन यहाँ पर नॉर्मल ही मिलने वाला है। हज़ार्ड लाइट का ऑप्शन भी यहाँ पर दोस्तों मिलेगा,
ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे यहाँ सीएनजी से पेट्रोल में जाना है तो ये ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आप दबाएंगे तो ये देखिए ये पेट्रोल हो जाएगा और ये ऊपर करने पर ये सीएनजी हो जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बढ़िया मिलेगा, जो कि प्रेशर ब्रेक वाला ब्रेकिंग सिस्टम दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑयल दिया गया है, ये जो है ट्विटर है, हालांकि ट्विटर इसमें लगाई नहीं गई लेकिन आप अलग से लगवा सकते हैं। ऊपर देखेंगे तो ये एक केबल लाइट है, ये देखिए जो कि जल रही है भाई, यहाँ पर ये आप देख पाएंगे। अब दोस्तों इसकी लाइट एक बार ऑन कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप ये देखेंगे तो जो हज़ार्ड लाइट है वो प्रॉपर इस तरीके से काम करता है, यहाँ आप देखेंगे, और इसको जब आप स्टार्ट करेंगे तब जो ये मेन लाइट है वो काम करती है। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों जो है हेलोजन की लाइट मिलने वाली है। साउंड इसका काफ़ी बढ़िया है, जो एग्जॉस्ट है सीएनजी में होने के कारण जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। अब मैं पीछे से आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर ये देखिए ये हज़ार्ड लाइट कितने अच्छे तरीके से जो है काम कर रहा है। ब्रेक लाइट नीचे दी गई है, ट्रिपल लाइट का सेटअप यहाँ पर दिया गया है, और जो इंजन है वो पीछे की तरफ दिया जा रहा है, ये देखिए दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी अच्छा है, और ये आप देखेंगे यहाँ पर इसको ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपने पैसेंजर के जो सामान हैं वो यहाँ पर रख पाएंगे। तो गाइज़ ये मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो कि आप देख पाएंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर अब दोस्तों जैसे कि मैं बात करूँगा पीछे की कि सवारी जो है कितना बैठ पाएंगी, इसको कर देते हैं एक बार बंद। तो यहाँ से दोस्तों ये बंद हो जाएगा, इसको ऑन कर देंगे इस तरीके से, तो जो इसका डोर हैंडल है वो आप देखेंगे कितना बेहतरीन है। क्वालिटी आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लगती है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर ये जो है पूरा फाइबर में दिया गया है, और ये पूरा जो विंडो है, जो इसका डोर है, ये पूरा डोर एक मेटल बॉडी में है, और काफ़ी अच्छा फ्रेम का यूज किया गया है। यहाँ पर ये देखेंगे चेकर प्लेट जो कि काफ़ी मजबूत है, तो मजबूती के मामले में A1 चीज़ें दी गई हैं, और बैठने के बाद में जो स्पेस है ना वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए आप, अदर जो व्हीकल्स हैं उनसे जो है स्पेस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, जैसे कि आप देख पाएंगे। और हालांकि इसमें जब लेने के बाद में सीट वगैरह का अरेंजमेंट जो है करा लेता है ड्राइवर अपने ही अकॉर्डिंग, पता नहीं वो कैसे कैसे कराते हैं, लेकिन वो जो अरेंजमेंट है वो हालाँकि हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कैनोपी दी गई है कुछ इस टाइप की है, जो कि वेदर प्रूफ है, यानी कि वेदर में जो है काम करने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है प्रॉपर जो आप देखेंगे ऊपर, ये देखिए स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है, और ये जो पाइप है ये काफ़ी हार्ड में दिए गए हैं, ये आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि जो लोग भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल से फ़िलहाल बचना चाहते हैं, और चाहते हैं कि भाई हाँ उनको कमाई थोड़ा सा अच्छा करना है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ना है, तो वो ये अपना व्हीकल ले सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक फ़ायदा तो है कि भाई उसमें जो है चार्ज काफ़ी कम रहता है, एक बार अगर आपने परचेज़ कर लिया तो उसके बाद केवल जो बैटरी का चार्जिंग कॉस्ट है केवल वही जाती है, यहाँ पर बस CNG का आपको रहेगा। लेकिन मेंटेनेंस के मामले में देखा जाए तो लगभग जीरो मेंटेनेंस होता है CNG वाले व्हीकल में, तो ये मुझे जो है काफ़ी बढ़िया लगता है। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो देखेंगे तो क्वालिटी जो है बढ़िया यहाँ पर मिलने वाली है, और जैसे कि मैंने बताया कि डबल इसमें ऑप्शन मिल रहा है, वज़न इसमें काफ़ी अच्छा जो है आप भर सकते हैं, सवारी काफ़ी अच्छी बैठा सकते हैं। और ये देखिए पीछे जो है काफ़ी बढ़िया जो सीट है वो मिल जाने वाली है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये देख सकते हैं पूरा जो स्पेस है, सामान यहाँ पर आप भर सकते हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात कर लेते हैं तो ये देखिए इसका कुछ ग्राउंड क्लीयरेंस इस टाइप का है। पीछे के टायर्स मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि MRF के हैं। पीछे चलते हैं दोस्तों तो यहाँ आप देख पाएंगे, ये देखिए ये है इसका साइलेंसर एग्जॉस्ट, ये देखिए ठीक है। डैम्पर वगैरह भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस टाइप के इसके डैम्पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये आप देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा पियाजियो वगैरह का भी आता था, लेकिन यहाँ पर जो है बजाज ने अपनी क्वालिटी को भाई काफ़ी हद तक जो है अच्छा कर लिया है, बेहतरीन क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड हो रही हैं। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो लगभग 3,35,000 में आपको मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, किस जगह से आप परचेज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये प्राइस जो है 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो सकता है, और मॉडल का नाम बजाज मैक्सिमा जेड, यहाँ पर आप देखेंगे। ये देखिए कैनोपी जो येलो कलर की है, काफ़ी खास काफ़ी बढ़िया लगती है, बाकी ये आप देख सकते हैं। तो गाइस डैशबोर्ड एक बार और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देखिए बेहतरीन सा डैशबोर्ड आपको मिलेगा इतने प्राइस में, जो है ये सब चीज़ें मिल रही हैं। हैंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक दिया जा रहा है, पावर ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आप देखेंगे।
सो गाइज़, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो भाई कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि बजाज जो है पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो ओवरऑल इंडिया में जहाँ कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर बजाज के शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये जो व्हीकल है अपने लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो इंजन दिया जा रहा है भाई, वो 236 सीसी का इंजन है इसमें, जिसकी जो पावर है वो 7.3 किलोवाट की मिलने वाली है। माइलेज की बात करें तो 30 किलोमीटर पर लीटर का जो है माइलेज मिलने वाला है, और लगभग जो है इसमें 2.5 लीटर का जो है पेट्रोल का टैंक भी दिया गया है, ताकि आप जो है इमरजेंसी में उसका यूज कर सकें। और दोस्तों, जो CNG टैंक है वो मैंने वेबसाइट पर देखा है तो वहाँ पर 40 लीटर लिखा हुआ है, हालांकि इसमें कितने लीटर का लगा गया है ये कंफर्म नहीं है। टॉर्क की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो टॉर्क जो है यहाँ पर 16.3 Nm का मिलने वाला है। सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन है। ग्रेडेबिलिटी जो है वो 21 डिग्री की यहाँ पर मिलेगी। मैक्सिमम जो स्पीड है वो 62 किलोमीटर पर लीटर की निकलने वाली है, और ग्राउंड क्लीयरेंस जो है 194 का है। व्हील बेस है 2000 का, और जो है इसमें ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स का ऑप्शन है। तो दोस्तों, व्हीकल काफ़ी जानदार है, काफ़ी शानदार है, और अगर आप दोस्तों ये व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो भाई आप पैन इंडिया सर्विस है बजाज मैक्सिमा की, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।